हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, इन्फिनिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन इंडियन मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर लॉन्च करने वाला है, जो है इन्फिनिक्स का नोट 7। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 100% कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन की बताने वाला हूं। ये बहुत जल्दी मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही जो है मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगा, और अगर आपका बजट 10,000 रुपये के आसपास का है, आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेक वानी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस रेगुलर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, 10,000 रुपये के आसपास का बजट और अमेजिंग स्पेसिफिकेशन, तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन और बिल्ड क्वालिटी से, तो 10,000 रुपये के आसपास की रेंज के अंदर आपको पंच होल डिस्प्ले मिलने वाला है, वो भी 6.95 इंचेस का। यार लगभग 7 इंच का डिस्प्ले हो गया, मतलब इसको आप फैबलेट भी बोल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको 480 निट्स का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूं तो यार आप पीछे जेम कट टेक्सचर डिज़ाइन को देखिए, क्या मतलब कि 10,000 रुपये के अंदर आपको एक प्रीमियम लुक देने की कोशिश करी है इन्फिनिक्स ने। आप कैमरा मॉड्यूल देखिए, कैमरा मॉड्यूल देख के आपको एक प्रीमियम फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन की याद आ जाएगी, मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, और उसके अंदर कैमरा भी काफ़ी दमदार दिया गया है। मतलब 48 मेगापिक्सल कैमरा आपको यहाँ पर जो बैक मॉडल में देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन के। और सिर्फ क्वैड कैमरा नहीं, जो एलईडी फ्लैश है वो भी आपको क्वैड देखने को मिलने वाले, मतलब 4-4 आपको एलईडी फ्लैश देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले की तो मैंने बात करी, अगर मैं बात करूँ सेफ्टी और सिक्योरिटी की, तो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ट्रेंडी है, आजकल फैशन में है और काफ़ी फास्ट भी है। फेस अनलॉक की बात करूं तो जो पंच होल डिस्प्ले है, मतलब यहां पर आपको जो पंच होल है इस कैमरा के थ्रू आपका फेस अनलॉक भी हो जाएगा, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, फेस अनलॉक भी है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरे का सपोर्ट है, और ये जो आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल की दमदार सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये तो आप भी मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी देखने में कैसी लगी, कैमरा मॉड्यूल कैसा लगा। बात करता हूं अगर मैं प्रोसेसर की, तो जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा शिकायत होती थी इन्फिनिक्स से कि यार प्रोसेसर दमदार करो, तो यहां पर आपको एक इनक्रेडिबल गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है 10,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज पे, जहां पर आपको हीलियो का G70 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, या 6.95 इंचेस की स्क्रीन है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर मिलने वाले हैं, मतलब कि यार 2 स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो G70 का प्रोसेसर है, 6.95 इंचेस का डिस्प्ले है, तो गेम वगैरह खेलेंगे या वीडियो वगैरह देखेंगे, डेफिनेटली आपका काफ़ी अच्छा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस यहाँ पर हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ ना यार, चाहे वो डिस्प्ले हो, बिल्ड क्वालिटी हो, कैमरा हो या प्रोसेसर हो, और चारों से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब बात कर अगर मैं बैटरी की, तो यहाँ पर आपको मैसिव 5000 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जो 1 से 1.5 दिन आपका बड़े आराम से निकाल देगी, और ऊपर से सोने पे सुहागा आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता, तो यार ये भी बहुत अच्छी बात है। और बात करूँ अगर मैं रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो यहाँ पर आपको 2 वेरिएंट जो है वो देखने को मिल जाएंगे, एक तो 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला, और एक 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला। साथ में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप 2 TB तक का मेमोरी कार्ड लगा के आप एक्सटेंडेड मेमोरी को जो है बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि यार 128 GB स्टोरेज डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि एक सही मतलब कि काम कर दिया इन्फिनिक्स ने अब की बारी। ट्रूली अगर मैं बात करूँ तो शायद मुझे अब की बारी सिर्फ 2 शिकायतें हैं, अगर वो भी पूरी हो जाती तो इट विल बी अ परफेक्ट फोन अराउंड 10,000 रुपीज़। एक तो यहाँ पर अगर फुल HD+ का डिस्प्ले हो जाता, और दूसरा यहाँ पर माइक्रो USB की जगह अगर टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिल जाता। बाकी एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बाकी इनका एक चीता OS है उसका सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। चीता से मुझे लगता है कि ये फ़ोन सच में चीता है। 10,000 रुपये की प्राइस रेंज के आसपास अगर ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है, डेफिनेटली यू आर गेटिंग अ वेरी गुड वैल्यू फॉर योर मनी। तो अगर आप प्लान कर रहे थे कोई स्मार्टफोन खरीदने का 10,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज पे, होपफुली जिस तरीके के हिंट्स आ रहे हैं 10,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज पे इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है, डेफिनेटली एक वर्थ बाइंग फोन ये हो सकता है। क्या आप भी इन्फिनिक्स नोट 7 का वेट कर रहे हैं, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और सबसे पहले इस चैनल पे अनबॉक्सिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर अनबॉक्सिंग सबसे पहले होगी इन्फिनिक्स नोट 7 की, और साथ में शायद आपको एक सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही सरप्राइजेस के लिए बने रहिएगा चैनल पे। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।